हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू नैनी एनिमेशन चैनल में। आज की बिगिनर ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप किसी कैरेक्टर की आई ब्लिंक कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस कैरेक्टर को देखिए, इस कैरेक्टर को हमने लास्ट क्लास में रिंकिंग किया था, आज हम इसकी आई ब्लिंक करेंगे। इस कैरेक्टर को मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है ताकि आप सभी वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इसको रिंकिंग किया था, हमने इसके सभी पार्ट्स के सिंबल बना दिए थे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं ये सभी सिंबल हैं। अब मैं इन सभी पार्ट्स को एक ही सिंबल में क्रिएट कर देता हूं, यानी कि ये सब अलग अलग हैं तो मैं इन्हें एक ही सिंबल बना देता हूं। सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एफएफ प्रेस करके इसको बॉय नाम दे देते हैं। अब ये एक सिंगल सिंबल बन चुका है, इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं और कहीं पर भी इसका जो सीन है वो क्रिएट करके एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूं। अब इसके अंदर जाऊंगा ताकि मैं इसकी आई ब्लिंक कर सकूं। इससे पहले मैं इसकी फ्रेम को मैं बढ़ा देता हूं। अब इसके फेस के अंदर जाकर इसकी आई ब्लिंक करेंगे। मैं इसके अंदर जाता हूं। मैं आपको रिंगिंग में एक और चीज़ बता दूं कि ये जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो लेग्स के पार्ट हैं, ये भी एक साथ सिंबल में होने चाहिए। मैं इनको भी सिंबल क्रिएट कर देता हूं। सबसे पहले इस लेग को सिंबल क्रिएट करते हैं। एफएफ प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू सिंबल का एक पैनल खुलकर आएगा। इस पर मैं इसका नाम दे देता हूं। सेम इसको भी ये पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एफएफ प्रेस करके सिंबल क्रिएट कर देना है। मैं इसको फ्रंट लेग नाम दे देता हूं। इसका जो पॉइंट है उसको हम यहां पर रखेंगे और इसके भी पॉइंट को हम यहां पर रखेंगे। फिर इस पार्ट को भी हम सिंबल कर देंगे, जो भी हैंड के पार्ट है। तो एफएफ प्रेस करेंगे, इसका नाम हम फ्रंट हैंड नाम दे देते हैं और इस वाले को बैक हैंड नाम दे देते हैं। अब देखिए ये ऊपर आ चुका है। अब राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेट टू बैक कर देते हैं तो ये पीछे चला जाएगा। ये दोनों भी आगे की तरफ आ गए हैं, इसके स्ट्रोक हमें दिख रहे हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, अरेंज करना है और सेट टू बैक कर देना है। हमने इसके फेस को भी सिंबल बनाया था। मैं इसके अंदर जाता हूं और इसके सभी पार्ट्स को भी सिंबल क्रिएट कर दूंगा। मैंने इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी ईयर को, हेयर को, जितने भी पार्ट इसके आगे पीछे होंगे सबको, क्योंकि मुझे बाद में इसको मूव करना पड़ेगा, इसकी आई बॉल को भी और इसके जो भी पार्ट्स होते हैं आई के, नोज के और लिप्स के, सबके पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर रखे हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में अभी आई ब्लिंक के बारे में बताता हूं, फिर मैं सभी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको इन सबको अलग अलग कैसे करना है और क्यों करना है। जिस कैरेक्टर की आपको आई ब्लिंक करनी है उसकी आई ब्लिंक को, जितने भी आई के पार्ट होते हैं उनको एक ही सिंबल में क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सभी आई के पार्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करके सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है। अब एफएफ प्रेस करते हैं और इसका नाम आइस नाम दे देते हैं। इसको हमें ग्राफिक में ही रखना है क्योंकि जो इसके अंदर ब्लिंक होगी वो हमें बाहर देखना है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इन सबको भी मैं एक एक करके सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको आईब्रो, इसको आईब्रो टू, इसको आईबॉल, इसको आईबॉल टू, इसको वाइट आई। जब ये आगे आ जाए तो राइट क्लिक करना है, अरेंज में जाना है और सेंड टू बैक कर देना है। फिर इसको भी करते हैं, इसको भी हम अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देते हैं। अब सबको सेलेक्ट करते हैं और आप यहां देखिए ये सभी सिंबल हो चुके हैं। अब इन सबको सिंगल फ्रेम कर देते हैं। यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो फिर ये सिर्फ सिंगल फ्रेम पे ही चलेंगे, लेकिन ये जो चीज है आई बॉल इसको हम लूपिंग पे रखेंगे, बाकी सबको सिंगल फ्रेम पे ही रखेंगे। अब इसको लूपिंग पे इसलिए रखना है क्योंकि इसके अंदर भी हम एनिमेशन करेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आकर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब फिर इसमें मास्किंग करके आई ब्लिंक करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इस आई बॉल के ऊपर एक लेयर को क्रिएट करूंगा। आप देखिए इस आई बॉल का जो नाम है वो यहां पर है और यही इसकी लेयर है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर को क्रिएट करता हूं, इसका नाम मैं मास्क रख देता हूं। अब जो मैंने इसको कॉपी किया था वो मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ यहां पर पेस्ट कर देना है और फिर यहां पर लेयर पर राइट क्लिक करना है और यहां मास्क ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये मास्क लग जाता है। मास्क हमें तब पता चलता है
जब यहाँ पर एक लेयर इसके अंदर आ जाती है, मतलब कि अब वो मास्क के अंडर में आ चुकी है, यानी कि अब उसमें मास्क लग चुका है। अब जिसको हमने मास्क लगाना था वो ये आईबॉल थी, और आईबॉल की लेयर ही इस मास्क के अंदर आई है। अब देखिए ये दोनों ऑटोमेटिकली लॉक लग चुके हैं। अब जो मास्क होता है जिसपे भी मास्क अप्लाई करते हैं उस पर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है, ताकि हम उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। लेकिन हमें इसमें आई ब्लिंक करनी है, और आई ब्लिंक करने के लिए एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ इस आई बॉल की लेयर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक न्यू लेयर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी एक वाइट ऑब्जेक्ट आया है। ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कॉपी करके मास्क पर पेस्ट किया था, मतलब कि ये एक मास्क है जिसे हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था। न्यू लेयर क्रिएट करते ही मास्क के अंदर जो लॉक था वो हट चुका है, मतलब कि एक न्यू लेयर क्रिएट करते ही वो जो लॉक होता है वो हट जाता है। अब जब लॉक हट जाता है तो मास्क भी दिखने लग जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर भी इस लेयर पे भी लॉक लगा देता हूँ तो मास्क हाइड हो जाता है। लेकिन मुझे इस पे आई ब्लिंक करनी है, तो इस पे मुझे लॉक हटाना पड़ेगा। अब ये मास्क हमें दिखेगा तो हम मास्क को हाइड कर देते हैं, तो मैं हाइड कर देता हूँ तो वो चला जाता है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने न्यू लेयर क्रिएट की है, पहले तो उसका नाम चेंज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसकी ब्लिंक को क्रिएट करूँगा। मुझे एक बॉक्स लेना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो आई ब्लिंक होती है वो इस आई के अंडर में ही होती है। इसको मैं हटाता हूँ और ये आप आई देख रहे हैं, ये वाइट आई, ये इसके अंडर में ही प्ले होती है, यानी कि इसके अंदर ही पलके झपकाती है, बाहर की तरफ से होती हुई नहीं आती, ये इसके अंदर से ही होती हुई आती है। तो फिर जो आई ब्लिंक है वो इसके अंदर ही ब्लिंक करेगी। मैं यहाँ पर फिर से एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। अब जो बॉक्स का कलर है वो हम स्किन से डार्क करेंगे। स्किन का जो कलर है वही हमने यहाँ पर बॉक्स में रखा है। अब हम इसको डार्क कर देते हैं। अब इसके स्ट्रोक को भी डार्क कर देंगे। तो ये यहाँ पर दोनों डार्क हो चुके हैं, फिल और स्ट्रोक। अब इसका जो साइज है वो मैंने इतना बड़ा रखा है ताकि मैं ये जो वाई पार्ट है इसको इसके साइज के हिसाब से मैं इसे रख सकूँ। तो मैं इसे थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ मुझे छोटा करना है। अगर मैं बिना ऑल्ट के साथ इसको छोटा करता हूँ तो ये दोनों तरफ से होता है। तो अभी तो हम इसको ऐसे रखते हैं, फिर ऑल्ट के साथ इसको छोटा करते हैं, और यहाँ से भी ऑल्ट के साथ और छोटा करते हैं। अब सिलेक्शन टूल लेंगे और इससे नीचे की लाइन को सिलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ कर देंगे। इसको हमें चिपकाना नहीं है, यानी कि ऊपर लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे से चिपकी नहीं होनी चाहिए। अब फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसे हम शिफ्ट के साथ प्रेस करके ले जाएंगे ताकि वो सीधी ऊपर जाए, इधर उधर ना जाए। इसको भी हमें इससे चिपकाना नहीं है, बस थोड़ा सा दूर रखना है। अब इसके बाद हम न्यू फ्रेम लगाते हैं यहाँ पर, और फिर इस आई ब्लिंक की लास्ट में यहाँ पर एक की लगाएंगे और इसका जो शेप है नीचे की तरफ कर देंगे। फिर सब सेलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से इन दोनों के पॉइंट को, ये नीचे वाला जो पॉइंट है पहला तो ये, और सेकंड वाला ये जो नीचे वाला पॉइंट है, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब इतना नीचे आते ही हमें ये देखना है कि व्हाइट आई के ऊपर तो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसकी लाइन ही दिखाई देगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर नहीं है, यानी कि ये जो व्हाइट आई है इसके ऊपर नहीं है। अब मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर बीच में शेप ट्यून लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक होगी। अब यहाँ मैं प्ले करके देखता हूँ, फिर से प्ले करके देखता हूँ तो ये अच्छे से ब्लिंक हो रही है। अब मैं यहाँ पर मास्क पर लॉक लगा देता हूँ और मास्क को अनहाइड कर देता हूँ। अब प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। फिर से ब्लिंक का लॉक हटाते हैं और मास्क को हाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर बंद ही है, इसे वापस खुलना चाहिए, लेकिन मैं इसे कितना भी प्ले करूँ तो ये खुलेगी नहीं। इसके लिए मुझे इसका ओपन आई वाला ब्लिंक भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फ्रेम बढ़ाता हूँ, मैं इसकी फ्रेम 15 तक और बढ़ा देता हूँ। अब फिर मैं इस वाली की को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक शेप टूल लग चुका है, इसे हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव शेप टूल कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और शेप टूल क्रिएट कर देते हैं। तो अब ये आई ब्लिंक कुछ इस तरीके से हो रहा है, यानी कि ये क्लोज होकर ओपन हो रहा है जैसा हमें ये चाहिए।
लेकिन ये एकदम से नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी रुक नहीं रहा है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो एकदम से छूकर ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी जो की है वो बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ आगे रख देता हूँ। अब इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से प्ले हो रहा है। अब मैं बाहर जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैंने मास को हाइड कर रखा है और जो इसके अंदर लेयर है उस पर अनलॉक कर रखा है, और ये शेप हमें तभी दिखती है जब हम मास की अंदर की लेयर में लॉक हटाते हैं। मैं जो एक्स्ट्रा फ्रेम है उसको रिमूव कर देता हूँ। अब फिर ऐसे ही मैं जैसे यहाँ पर लॉक हटा है और मास हाइड हो रखा है, ऐसे में बाहर जाता हूँ तब भी यहाँ पर वो मास हमें दिखेगा। मैं यहाँ पर फ्रेम बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्क है और ब्लिक भी कर रहा है। अब मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ और इसकी जो आईबॉल है उसको भी मैं नीचे मूव करूंगा। जैसे कि ये ब्लिंक करती है वैसे इसकी आईबॉल भी मूव करनी चाहिए। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए ये व्हाइट आई सेलेक्ट हो रही है क्योंकि इस आईबॉल पर लॉक लगा है, और जो आईबॉल की लेयर है वो ये है। इसमें मैं लॉक हटा देता हूँ और नीचे वाली लेयर्स पर लॉक लगा देता हूँ क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं करनी। अब इस आईबॉल को ब्लिंक के साथ नीचे करेंगे तो मैं यहाँ पर जहाँ पे ब्लिंक नीचे जा रही है वहाँ पर मैं एक की लगा देता हूँ और आईबॉल को धीरे से नीचे करूँगा। यहाँ पे मुझे ब्लिंक दिख रहा है जिसकी वजह से मुझे आईबॉल नहीं दिख रही, तो मैं ब्लिंक को हाइड कर देता हूँ और आईबॉल को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। अब फिर ब्लिंक को अनहाइड करते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से प्ले होगी, लेकिन ये नीचे जा रही है और रुक जा रही है क्योंकि इसको भी हमें रिवर्स में करना है। तो मैं इस वाली की को भी उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ और फिर इसकी जो क्लासिक ट्यून है उसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। इसकी जो की है उसको भी हम आगे की तरफ कर देते हैं एक स्टेप आगे। तो ये इस तरीके से ब्लिंक करेगी। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्पेस इसका कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इसका जो स्पेस है वो कम कर देता हूँ और इसका मैं बढ़ा देता हूँ। अब इसकी जो आईब्रो है उसको भी मूव करेंगे। इस आईब्रो की जो लेयर है एक लेयर यहाँ पर है और एक लेयर यहाँ पर है, इन दोनों को ऊपर कर देते हैं और फिर इनको हम एनिमेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को सिंबल क्रिएट किया था और इसके पॉइंट को भी हम सेट कर देते हैं। किसी को भी एनिमेशन करने से पहले उसके पॉइंट को आप सेट कर देना, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इससे पहले हम इसकी भी आई ब्लिंक कर लेते हैं। तो मैं सेम इसकी तरह इसको मैं कॉपी करके आई बॉल के ऊपर रखूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लॉक पहले हटा देते हैं, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं और इस आई बॉल के ऊपर यहाँ पर इसकी लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका नाम हम मास्क रख देते हैं और फिर यहाँ पर इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसी लेयर को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है और मास्क क्रिएट कर देना है। तो ये मास्क के अंडर में आ चुकी है, यानी कि जो आईबॉल की लेयर है वो मास्क के अंडर जा चुकी है और इन पर भी दो लॉक लग चुके हैं। अब मैं इसके अंदर एक लेयर को क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर एक लेयर आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉक था वो हट चुका है, जिसकी वजह से ये जो मास्क है वो हमें दिखने लग जाता है। अब मैं इस मास्क को हाइड कर देता हूँ, इसका नाम ब्लिंक रख देते हैं और इस पर भी हम सेम इसकी तरह एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। मैं सेम यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो नाप लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेम देख लेता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो बाहर की तरफ है या नहीं। अब मैं इसको ऊपर की तरफ रख देता हूँ, पहले इसका जो साइज़ है वो मैं नीचे से ऊपर की तरफ राउंड जैसा शेप बना देता हूँ। अब इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, हम यहाँ से भी इसका जो शेप है वो इस तरीके से राउंड जैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पर F6 लगाना है सेम इसी कीज़ के ऊपर। मैं F6 लगाता हूँ और इसकी जो शेप है वो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सब सेलेक्शन टूल से इसके पॉइंट को सेलेक्ट करना है, नीचे वाले दो पॉइंट होते हैं उसको, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है नीचे की तरफ। अब इसको भी देखना है कि ये जो लाइन है वो पूरी नीचे गई है या फिर ज़्यादा नीचे गई है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो लाइन है वो ज़्यादा ही नीचे गई है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है सब सेलेक्शन टूल से, तो मैं दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाता हूँ। बस मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ, अब देखता हूँ तो अब ये जो लाइन है वो पूरी तरीके से नीचे आ चुकी है। अब इन पे शेप ट्यून लगा देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगी। अब यहाँ पर इस वाली की को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं सेम इसी कीज़ के ऊपर। इस पे जो शेप ट्यून आ रहा है यह आप देखिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं।
अब बीच में यहाँ पर शेप ट्यून लगा देते हैं। अब इस की को भी सेम इन्हीं की तरह यहाँ पर आगे रख देंगे। अब प्ले करके देखते हैं तो ये भी इस तरीके से आई ब्लिंक की तरह प्ले हो रही है। इस पे लॉक लगाते हैं और मास्क को अनहाइड करते हैं। अब हम इसकी जो आई बॉल है उसको भी नीचे की तरफ करेंगे। तो आई बॉल को हम अनलॉक कर देते हैं और मास्क को हाइड कर देते हैं। ब्लिंक को भी अभी लॉक लगा के रखते हैं। अब इसकी जो की है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखिए जो ब्लिंक है वो हमें दिख रहा है, उसके पीछे जो आई बॉल है वो नहीं दिख रहा, तो मैं ब्लिंक को हाइड कर देता हूँ। अब फिर इसको थोड़ा सा नीचे करना है और इस पे क्लासिक ट्री लगा देना है। फिर इस की को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब इस पे जो क्लासिक ट्री आया है इसको रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव क्लासिक ट्री कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्लासिक ट्री लगाते हैं और इस की को भी हम आगे की तरफ रख देते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से प्ले होगी। अब इन सब को अनहाइड करते हैं और लॉक लगा देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं, दोनों को देखते हैं कि ये किस तरीके से प्ले हो रही है। ठीक है, इसकी जो आई ब्लिक है अब अच्छे से वर्क कर रही है। अब इसकी जो आईब्रो है उसमें भी एनिमेशन करते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और इसकी जो की है दोनों की को हम यहाँ पर लगा देंगे। सेम यहाँ पर भी हम कीस लगा देते हैं। अब फिर इस वाली की पर आते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। सेम इसको भी नीचे की तरफ हल्का सा ड्रैग करते हैं। दोनों को हमें हल्का सा ही नीचे ड्रैग करना है। फिर दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब दोनों पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं। सेम इन दोनों कीज को भी एक स्टेप आगे रख देते हैं और प्ले करते हैं। तो अब ये आईब्रोज ब्लिंक के साथ भी प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होंगे। अब बाहर जाकर प्ले करते हैं तो इसकी जो आई ब्लिंक है बहुत अच्छे से वर्क हो रही है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। हमें इसे सिर्फ आई ब्लिंक एक बार ही करानी है, क्योंकि जो नॉर्मल आई ब्लिंक होती है वो एक ही बार प्ले होती है। तो हम क्या करते हैं, इस आई को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्ले वर्क्स कर देते हैं, तो ये सिर्फ एक ही बार ही प्ले होगी। अब यहाँ से हम फिर से प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आई ब्लिंक हमारी बन जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।